गया है? गोप्रो कहाँ पे है भाई? गोप्रो नहीं है, जेब में नहीं है। सही बोल यार, चल 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 What's up guys, कैसे हो आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। तो यार आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग सी जगह पे जा रहे हैं और आज की हमारी राइड है भाई, देखो ये कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करते ही रहते हैं। और आज हम अपनी ये लेके जा रहे हैं, मतलब अपनी स्कूटी लेके जा रहे हो। देखो कहाँ लगाई है मैंने भाई, क्योंकि सीन ही ऐसा है। आज करेंगे भाई इस स्कूटी पे ऑफ रोड, मतलब बाइक्स पे देखा होगा, कार्स पे देखा होगा, बट स्कूटी पे ऑफ रोड आपने नहीं देखा होगा। तो आज करेंगे स्कूटी पे ऑफ रोड, साथ में जा रहा है हमारा पोला डॉन और कुछ एडवेंचरस भी करेंगे। एंड चलें, चलो चल। तो गाइस अभी हम जिस लोकेशन पे आया ना, मतलब अपने उधमपुर के बंदे यार पत्नीटॉप भागते हैं, सनासर भागते हैं, ऐसी जगह पे आओ ना यार। यहाँ पे काफी कम लोग आते हैं, मतलब इतनी प्यारी जगह है। देखो यार नज़ारे देखो, अभी और आगे जाएंगे, मतलब अनएक्सप्लोर्ड जगह है ये सारी। और जो भी भाई हमारे ऑफ रोडिंग करते हैं उसके लिए तो मैं बता दूं आपको, जगह यहाँ पे बहुत ऑफ रोड वाली बहुत जगह है, तो आप यहाँ पे भी आके ऑफ रोडिंग कर सकते हो। तो भाई देखो यार क्या, मतलब ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, तो भाई अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ से, स्कूटी लेके जाएंगे हम नीचे तक। तो भाई चलो भाई हमें जाना है नीचे तक। तो भाई अभी चलते हैं यहाँ से। अबे क्या कर रहा है, उठा से लेट हो लगी ऐसे ही लगी यार ना, ठीक ना यार कर कर ओए 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 ओए। तो भाई अभी आगे चलते हैं यार, ये छोटा मोटा क्रैश होता रहता है। भाई यहाँ से थोड़ा सा रिस्की रहेगा, हमें जाना है वहाँ पे, तो हम जाएंगे यहाँ से। तो भाई हमें यहाँ से स्कूटी लेके जानी है वहाँ तक। अभी यार सही रास्ता ढूंढना पड़ेगा। भाई ये ऑफ रोडिंग ना स्कूटी पे मजाक नहीं है, लेकिन यार हम बहुत अच्छी लोकेशन पे आ गए इस टाइम। मतलब यहाँ पे पहले किसी ने लाई होगी भाई स्कूटी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, स्कूटी क्या बाइक भी यहाँ पे किसी ने नहीं लाई होगी। ओ भाई ये देखो, ओ शिट यार। तो गाइस अभी देखो यार हम कहाँ पे आए हैं, स्कूटी हमने देखो कहाँ लगाई है भाई। अभी हमने बनानी है मैगी, ये लगी है स्कूटी और रास्ता देखो वो ऊपर से उतारी है स्कूटी भाई हमने वहाँ से, और अभी लगाई यहाँ पे। अभी रक्षण भाई हमें मैगी बना के खिलाएंगे, तो भाई यहाँ पे रक्षण बना के देगा भाई हमें आज मैगी। पोला डॉन के हाथों में मैगी खाएंगे आज, वो भी जंगल में। स्कूटी देखो कहाँ खड़ी है, बीच जंगल के बीच में, नहीं चलेगी वो, तेल निकाल लेते हैं, दो मिनट लगेंगे तेल निकालने को। तो अभी हम क्या करेंगे, आग तो लग नहीं रही है, अब इसको डिप करेंगे तट रोल में, टैंकी में,
वो निकालेंगे और सीधा इसी को आग लगा देंगे उसके नीचे रख के। ओके वाह व्हाट एन आईडिया सर जी, ये मोटर ब्लॉगर्स को सब पता होता है भाई, चाबी कहाँ है। ये टंकी खोलनी है, इसमें हमें इसको पूरा पूरा नहीं घुसाना, मतलब गिर नहीं जाए बीच में, ध्यान रखना। माचिस रेडी रखना, ठीक है, ये गीला हो गया, रेडी है, चल भाई, इतना टाइम लगाएगा तब तक जलाइए वो। देखो इसको हिम्मत, बस ये इट वर्क्स ब्रो, इट वर्क्स। गाइस आग लग चुकी है, आग लग चुकी है, जैसे लोगों को हमें देख के आग लगती है, आज हमने भी लगा दी। गाइस जैसे लोगों को हमें देखकर आग लगती है, वैसे हमने भी आग लगा दी है, और फाइनली। तो भाई अंधेरा होने लग गया, और यहाँ पे मैगी में देखो पोला भाई डाल रहे हैं मसाला वगैरह। और कुछ नहीं भाई, मेरे को ये चीज़ बड़ी सही लगी यार, मतलब ऐसी जगह पे स्कूटी लगी हुई है ना, मेरे को ये चीज़ बहुत सही लगी। और वहाँ पे देखो छोटा सा वाटरफॉल है, मैं दिखाता हूँ, ये देखो भाई यहाँ पे छोटा सा प्यारा सा वाटरफॉल, यहाँ पे है बोली, कितने सही पेड़ है यहाँ पे, और बिल्कुल पहाड़ों के बीच में, और बन रही है मैगी भाई। मतलब एक चीज़ हमने मिस कर दी, वो ये थी कि हम यहाँ पे कैंपिंग कर सकते थे, मतलब रात को, अभी रात को यहाँ पे रुक भी सकते थे, बट हमारा ऐसा कुछ प्लान नहीं था, थोड़ा लेट हो गया उस वजह से, जल्दी जल्दी कर रहे हैं और फिर निकलेंगे घर के लिए। मैगी बन गई है, अभी ये हमारी प्लेट्स हैं यहाँ पे, फिर उसके साइड पे मेरे लिए थोड़ी सी डालना, ज़्यादा तू ही खाएगा, मैंने ज़्यादा नहीं खानी है भाई, आटे वाली है ना मैगी, राम दे। बंदर 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 है, आया नहीं है, दूर है, आके पास कोई नहीं आएगा, वही पोला डाउन की हालत खराब हो रही है। ये बंदर आ गए ना, हमें पार देंगे वो, आग हमें बुझने नहीं देनी, आग हमें जली रखनी है भाई, आग नहीं बुझनी चाहिए बस, अगर आग बुझी एक बंदर आ गया ना घंटा में बुझ जाएगा तेरी। भाई एक चीज़ बताओ, इस बंदे को ना मतलब कुछ भी हो रहा, कुछ भी कांड होगा ना, इस बंदे को कुछ नहीं होता, बस एक ही होता है भाई, कंटेंट बन जाएगा, कंटेंट अपना नहीं है कि कुछ होगा, लेकिन कंटेंट बनेगा भाई। भाई मैगी बन चुकी है यार, अभी हम खाएंगे मैगी, हम दे रहा हूँ भाई, जल्दी जल्दी खाओ और निकलो भाई। भाई क्या सही बता रहा हूँ यार, बहुत टेस्टी बनाई है इसने, मतलब अच्छी बनी है, मतलब आग पे, वो भी ऐसी आग पे मैगी बनाई है हमने, बुझ गई है वो आग, आग से खानी पड़ रही है भाई। भाई तेरे को व्लॉगर व्लॉगर नहीं होना चाहिए, तेरे को शेफ होना चाहिए था। वाह यार भूख ही नहीं है यार, कसम से मजाक है गाइस, बहुत टेस्टी बनी है, बहुत ज़्यादा आग बुझ, हमने आग को बुझने नहीं देना भाई, अगर आग बुझी तो कोई भी जंगली जानवर हमारे पास आ सकता है, मतलब काफ़ी अंधेरा होगा, अभी हमने घर पे ही निकला। तो भाई जब भी आप जंगल में ऐसी आग लगाओ, तो जब भी जाओ तो उसको बुझा के जाओ भाई, हाँ इस तरीके से, मतलब लकड़ियाँ जो है ना उसको हटा दो आप, मेन लकड़ी जो थी बड़ी वाली लकड़ी, हाँ ऐसे पत्थर मार के भी बुझ जाती है, जैसे ये लकड़ी को आग लगी है इसको आप साइड करके बुझा दो, ये देखो तो आग बुझ गई है, मतलब थोड़ा सा पानी भी फेंक देंगे हम इसके ऊपर। तो भाई अभी रक्षण लेके जा रहा है स्कूटी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से वहाँ से नहीं चढ़ेगी, इधर से इधर से निकाल, यहाँ से निकाल भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा, दिख रहा है भाई, अबे व्लॉग इसमें दो ग्रो में नहीं दिख रहा, गाइस आप इतना झूठ मत बोलो गाइस, आप गेम खेल रहा है, चल चल आगे देख गाइस, इसकी स्कूटी में लाइट तक नहीं है, नहीं चलेगी तो थोड़ा इधर से लेना, यहाँ से रास्ता बना हुआ है, बैठू मैं, भले चलो फाइनली रोड पे आ गए भाई, कभी भी मतलब ये काम नहीं करना, मैं बता रहा हूँ, बैठ 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 बैठ, ठीक है, पता है इस टाइम पे ना वो लोग लोकल से लोकल से बोलते हैं, इस रोड पे भी चित्रे होते हैं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, ब्लॉग के चक्कर में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सही में डर गया हूँ बराबर, क्योंकि हमने कैसे चढ़ाई है पता नहीं लगा, गाइस भगवान किस्म का गया मेरा, वो इस तरह गोप्रो कहाँ गया है, गोप्रो कहाँ पे है भाई, गोप्रो नहीं है जेब में, नहीं है सही बोल यार, चल 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 चल,
तो भाई अभी मैं पहुंच चुका हूँ घर पे, और आज का जो एक्सपीरियंस था मतलब काफ़ी ज़्यादा, एक तो क्रेजी एक्सपीरियंस था और एक काफ़ी डरावना एक्सपीरियंस था। मतलब देखो आप पूरा गीले हो गया भाई। हम हुआ क्या, जब हम ऊपर आए उसके बाद क्या हुआ कि कैमरा जो रक्षण का कैमरा था वो हम नीचे ही भूल गए भाई। ऊपर से अंधेरे में फ़ोन की लाइट लेके गए नीचे तक, और बात ऐसी थी कि फ़ोन की बैटरी भी 10% बैटरी थी फ़ोन की। आप देख सकते हो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो, अभी देखो आप बैटरी 1% बची है भाई, 1% बैटरी बची है फ़ोन की सिर्फ। तो मतलब एक ही चीज़ बोलूँगा, चाहे आप शाम को निकल रहे हो, मतलब जब भी निकल रहे हो ना आप, कहीं पे भी निकल रहे हो, पहले तो आपकी अपनी स्कूटी चेक कर रहे थे। हमारी स्कूटी में लाइट नहीं थी, इंडिकेटर दे के हम आए हैं, पूरा सब कुछ मतलब अपने साथ हर एक चीज़ लेके चलो। जैसे हमारे पास पावर बैंक भी नहीं था, फ़ोन डेड हो गया, अगर फ़ोन उस टाइम स्विच ऑफ हो गया होता अंधेरे में हम कुछ नहीं कर पाते थे। और इतनी दूर से ऊपर से नीचे हम सिर्फ इंडिकेटर पे आए हैं, तो इससे यही सीख यही मिलती है कि भाई जब भी जाओ पूरी एक्सेसरी साथ लेके जाओ। जैसे हमारे पास कुछ लाइट का लाइट भी नहीं थी हमारे पास, फ़ोन हमारे डैड हो गए थे, रक्षण तो लेके नहीं गया था अपना फ़ोन। तो भाई एक तो बड़ा डरावना एक्सपीरियंस था, इतनी रात में वहाँ कोई भी नहीं था, और इतनी नीचे स्कूटी ऊपर जैसे हमने चढ़ाई है ना पसीने छूट गए थे भाई, वहाँ पे हमारे पसीने छूट गए। मतलब कितनी बार स्कूटी गिरी हमसे, बहुत बार स्कूटी गिरी हमसे यार। जब भी कहीं जाओ पूरा सब कुछ सेट करके जाओ, अपनी एक्सेसरी पूरी साथ लेके जाओ भाई। तो इतनी थी आज की वीडियो, होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। तो इतनी रखते हैं आज की वीडियो में।